या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 90, रिकॉर्डेड बाय मेहंदी मोमिन। 7th of December 1994, वाइज एट पार्कलैंड जमातखाना ऑफ नैरोबी। या अली मदद, या अली मदद, اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيامة. هجيات آتيوناتي هي فانتساتيو चाली नहीं कोई वरियो पाछो जिया दयुनाद सुजिताराज मौलाना हज़रत इमाम सल्लत पर जिंदा रहा। मैंने गई कल कोर्ट हॉल के अंदर जमात के सामने जो मैंने आवाज की उसमें आप में से कुछ लोग होंगे। कल मैंने अर्ज की कि हमारे मजहब जो है बातूनी है, इस्लाम के 73 यानी कि 73 शख्स जो है उसमें हमारा एक फिरका है जिसको हिस्टोरियंस ने और हमारे दुश्मनों ने भी हमको बातूनिया कहा है। इसलिए बातूनिया कहा है कि हमने अपने इस मजहब को खुदा ताला के नूर की शनाख्त और समझ के लिए मुकर्रर किया। ये मजहब अख्तियार करने के लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी है कि वो रास्ता के जिस पर चलने के लिए हमें अल्लाह के नूर की शनाख्त और समझ मिले और हम उसका एक्सपीरियंस कर सकें। इस्लाम के अंदर बहुत से सूफी फिरके हैं, सुनियों में भी हैं, शियों में भी हैं। वो लोग इबादत करते हैं और मोस्टली वो फिरके अपने जान के ऊपर, अपने बदन के ऊपर सख्ती करते हैं, जानबूझ के दुख उठाते हैं। जैसा कि हमारे ही इस्माइली मजहब के अंदर से मौलाना इमाम वकी अहमद अलैहिस्सलाम के जमाने के अंदर कुछ इस्माइली लोग जुदा हो गए और उन्होंने दुनिया को त्याग करने के लिए और मजहब और रूहानियत के अंदर आगे बढ़ने के लिए घर बार छोड़ दिया। विंटर के अंदर सख्त सर्दी पड़े तो वो लोग पतले जैसे कि मलमल या कॉटन के कपड़े पहनते थे और सर्दी से छिटरते थे और अपने ऊपर दुख उठाते थे। जब समर आ गए तो वो वुलन के कपड़े पहनते थे कि गर्मी की वजह से पसीने में शराबूर हो जाएं और कभी कभी इस गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सके तो बेहोश हो जाते थे। भूखे रहते थे, एक एक महीना तक सिर्फ पानी पीते थे। ये लोग थे जो इस्माइली मजहब से थोड़े से अलग हो गए। इनको बाद में इख्वानुस सफा कहा गया। बाद में इनका रास्ता ऐसा हो गया कि वो हमसे बहुत दूर चले गए, क्योंकि ये हमारा तरीका नहीं है कि हम दुनिया की तमाम हमारे ऊपर जो खुदा ताला ने ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखी हैं
हम उनको छोड़ के जंगल में या किसी गुफा में जाके अपने बदन के ऊपर जानबूझ के दुख डाल के हम अपनी रूहानियत को उठाना चाहते हैं। मोमिनों, ये हमारा रास्ता नहीं है। और हमारे इमामों ने हमेशा हमें ये चीज समझाई कि दुनिया के अंदर तुमको खुदा ताला ने पैदा किया है तो उसका मकसद है, और उस मकसद को दुनियादारी के हिसाब में रह के पूरा करो। दुनिया की जो ड्यूटीज हैं वो भी पूरी करो, और अपने जो मजहब की रूहानी ड्यूटीज हैं वो भी पूरी करो। इसलिए इमाम कहते हैं कि दोनों में बैलेंस रखो। एक अच्छा मोमन जो है, और मोमन हमेशा अच्छा ही होता है, मगर यहां मेरा कहने का मकसद यह है कि एक ऐसा इस्माइली कि जो रियली सच्चा मोमन है, वो इस दुनिया के अंदर भी अपने फर्जों को ये समझ के पूरा करता है कि ये फर्ज उसके ऊपर इमाम ने अल्लाह ने नकी किए हुए हैं। वो एक अच्छा बाप है, वो अपने बापपन की ड्यूटीज में कोताही नहीं करता। अगर वो किसी औरत का शौहर है तो वो एक अच्छा शौहर है, और अपनी औरत का भी वो वफादार है, ऐसा ही कि जैसे कि वो हजरत इमाम का फेथफुल है। अगर एक औरत है तो वो अपने माता पिता को छोड़ के अपने शौहर के घर जाती है तो वो ऐसी ही पाक पाकीज़ा है कि जैसी वो छोटी थी अपने माता पिता के घर पे, और वो नेक और आला दर्जे की औरत है क्योंकि वो एक इस्माइली है। अगर वो किसी का बेटा है तो अपने माता पिता के साथ उसका सलूक भी आला दर्जे का है कि जैसा मजहब ने उसके लिए मुकर्रर किया हुआ है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जब तेरे माता पिता बूढ़े हो जाएं तो उनके सामने जोर से बात भी मत करो, आहिस्ता से बोलो, चिल्ला के मत बोलो। अल्लाह ताला ने तीन जगह अपने माता पिता की इज्जत और उनके अदब रखने के लिए और उनका ध्यान रखने के लिए हमें फरमाया है। एक वो इस्माइली के जो सच्चा इस्माइली है, मैं आपके पास अर्ज कर रहा हूं कि वो अगर बाप है तो बेहतर बेस्ट बाप है, अगर शोहर है तो बेस्ट शोहर है, अगर बेटा है तो बेस्ट बेटा है, अगर भाई है तो वो बेस्ट है, अगर फ्रेंड है तो वो बेस्ट है। तो हर हालत के अंदर पाक पाकीज़ा और आला दर्जे का इंसान है। हमारा मजहब ऐसा है, जो आदमी इस्माइली मजहब को नहीं समझता उसकी जिंदगी के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है। मैंने कल ही अर्ज की कि इस्लाम के अंदर खुदा ताला ने हमें जो चीजें बख्शी हैं, आम हमारे मुसलमान भाई उसको भूल चुके हैं। इमाम के एक फरमान के अंदर है कि हमारे सुन्नी भाई हैं, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं, एंड दे थिंक दैट देयर ड्यूटी इज ओवर, दैट्स ऑल। लेकिन मौला कहते हैं नहीं, हमारा इस्माइली तरीका ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत सी फराइज हैं, वो फराइज दुनिया के भी हैं, दीन के भी हैं। क्योंकि अगर मैं किसी के घर में पैदा हुआ हूं, और हम सब किसी न किसी माँ के पेट में से पैदा हुए हैं, और हमारा जो बदन है वो हमारे बाप के नुतफे से पैदा हुआ है, तो हमारे माँ और बाप जो हैं उनकी तरफ हमारा कुछ हक है और उनका हक हमारे ऊपर है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम शादी करते हैं तो हमारी शादीशुदा जिंदगी जो है वो पाक और पवित्र है, दीनदार हो। जिस आदमी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है वो तस्वीर निकाल के क्या फायदा ले सकता है? जिस आदमी का कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जिसमें एथिक्स नहीं है, जिसके दिल में प्योरिटी नहीं है, वो आदमी अगर इबादत भी करता है तो उसकी इबादत फलती नहीं। जिस कुर्सी के ऊपर हमने शैतान को बिछा रखा है, उस कुर्सी के ऊपर यानी हमारे दिल की कुर्सी, अगर हमारे दिल की इस कुर्सी के ऊपर हमने शैतान बिठाया है तो इस कुर्सी के ऊपर हजर इमाम को बिठाने से पहले शैतान को दूर करो। जहां शैतान बैठा है वहां इमाम आके नहीं बैठेगा। आद उनाद थी, आद उसको कहते हैं कि जब ये खलकत, ये सोलर सिस्टम, ये चांद सूरज, ये जमीन, ये आसमान पैदा नहीं हुआ था, उस वक्त को आद कहते हैं। ये अरबी लफ्ज है, और हमारे जिनानों के अंदर इस अरबी लफ्ज को ऐन अलिफ दाल, आद का मतलब पुराने में पुराना जमाना, और पीर ने कहा है, अपीर का एक दूसरा लफ्ज उन्होंने बनाया, कर्म दूसरी बना डाली, आद और उनाद, यानी आद से पहले
जो जमाना था कि जब खुदा ताला ने खल्क करने के लिए अपना इरादा किया, वो वक्त उनाद था, उसके बाद आद आया, आद के बाद कलप आए, और ऐसे 8 लाख करण हुए जो कलप से पहले थे, उसके कलप के बाद फिर युग आए। आज हमारा जो जमाना है चौथा युग का, जिसमें 4,32,000 बरस हैं, 7,000 बरस गए हैं, 4,25,000 बरस इस पीरियड के बाकी हैं, और ये अर्थ का आखिरी जमाना है। फिर कहते हैं कि आद उनाद से ये जो सत्यपंथ है बिल्कुल सच्चा रहा, और इस मजहब पे चलने से कोई आदमी ने कभी कोई खता नहीं खाई, भूल नहीं की, नुकसान नहीं उठाया। कौन सा मजहब? वो मजहब के जिसके अंदर नूर की शनाखत और नूर की याचना, नूर के लिए तलब होती है, और उसमें से निकल के वापस में उसमें पहुंचने के लिए इंसान कोशिश करता है, यह इस्माइली मजहब है। इस इस्माइली मजहब की हर चीज अगर हमें समझ नहीं आती तो उसका यह मतलब नहीं है कि वो गलत है। हमारे मजहब की जितने भी रीत रस्म रिवाजे हैं जो हम धारण करते हैं, वो उन मजहब की रीत रस्म रिवाज, हमारी ट्रेडिशंस, हमारे कस्टम्स, उनके अंदर कोई सिग्निफिकेंस है? अगर हमको मालूम नहीं तो उसका मतलब यह है कि वो गलत है। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह साहब ने एक दफा फरमान करते करते हंस के कहा, सब कहते हैं देखो कबूतर जब बिल्ली को देखता है तो आंखें बंद कर लेता है, ये समझ के कि मैं कभी बिल्ली को नहीं देखता तो बिल्ली मुझे नहीं देखती। होता क्या है? मौला कहते हैं बिल्ली आके उसको पकड़ लेती है। क्या हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि अगर हम अपने मजहब को नहीं समझते हम आंखें बंद कर लेते हैं, मतलब कि यह गलत है? एक आपको मैं मिसाल दूं, हमारे पीरसन कबीर दीन माँ बाप का जिनान जो है लंबा, हम उसको अनंत अखाड़ा कहते हैं, आशा जी के 500 पाठ हैं। एक जगह पीर कहते हैं, आशा जी 36 करोड़ पूरा धरनी। कुछ लोग बैठे, पीर हसन कबीर दीन कहते हैं कि 36 करोड़ पूरे धर्मी थे, तो क्या इस सदरदीन के जमाने में, इस सदरदीन की 118 बरस की उम्र में, लेकिन उनकी उनकी जो पीरी जौमा चला वो खाली 18 बरस का था? इस सदरदीन 100 बरस के हुए तब इमाम इस्लाम शाह ने उनको पीरी जौमा दिया, उसके पहले उनके बाप पीर थे जिसको हम पीर साहेब दीन कहते हैं, पीर साहेब दीन से पहले उनके पिता थे जिनको हम पीर नसीर दीन कहते हैं, पीर नसीर दीन के पहले पीर शम्मस उनके बाप थे, यानी पड़ पोते थे पीर शम्मस के पीर सदरदीन। पड़ पोते का मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर। पीर शम्मस गुजर गए, पीर नसीर दीन गुजर गए, पीर साहेब दीन गुजर गए, 100 बरस की उम्र में पीर सदरदीन पीर बने और 18 साल तक पीरी जौमा होगा। 118 साल कभी हम उनकी जिंदगी भी ले लें, उस वक्त तो 36 करोड़ आदमी हिंदुस्तान में भी नहीं थे, तो फिर कहते हैं 36 करोड़ पूरा धर्मी, तो लोग कहते हैं नहीं एक करोड़ नहीं है, यानी 100 लाख, 100 लाख का एक करोड़ होता है, करोड़ कहते हैं 10 मिलियन को, 10 लाख का एक मिलियन होता है, तो 10 मिलियन यानी कि 360 मिलियन 36 करोड़ आदमी। तो कहते हैं नहीं ये 36 करोड़ नहीं थे, कुड़ थे, 36 कुड़ थे, कुड़ यानी कोई खानदान, कोई फैमिली, 36 फैमिली थी। अभी हमको सारी पुरानी किताबें जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसमें देख डालो तो कहीं भी कुड़ नहीं है, करोड़ है, और करोड़ का मतलब 100 लाख का एक करोड़। लेकिन चूंकि समझ में नहीं आया तो हमने उसी गर्दन मरोड़ के उसको 36 करोड़ बना दिया, लेकिन गलत है ये। 36 करोड़ थे, और ये 36 करोड़ जो थे
उसकी बहुत बड़ी व्याख्या है, सॉरी मैं आपको उसका खुलासा यहां नहीं कह सकता, लेकिन 36 करोड़ थे, जीव थे, 36 करोड़ जीव थे, आदमी भी थे, जानवर भी थे, जानवरों में भी जीव है, जानवर भी इबादत करते हैं, जानवर के ऊपर भी ड्यूटीज हैं, और वो हमसे इसलिए ज्यादा अच्छे हैं कि मोस्टली जानवरों में फ्री विल नहीं है, इसलिए वो गुनाहगार कम होते हैं। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा था कि कभी कोई चीज हमें ठीक नहीं लगती तो हम ये कह देते हैं ये बराबर नहीं है। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं, दूसरी दुआ खत्म हो गई, मेरी बात बंद होगी तो आप जाके नांदी लोगे। कई लोग नांदी को मालूम नहीं क्या समझते हैं, नाम नांदी जो है वो टर्म बराबर नहीं है। नांदी अरबी सबान का लफ्ज नाद से निकला, नाद कहते हैं पुकार करना, जैसे कि हम कुछ चीज लेके कहते हैं, नादी करने वाला कहता है मेरा ये केक है, वो पुकार करता है कि इसके 10 शिलिंग है, 15 शिलिंग है वगैरह वगैरह। तो मुनादी एक्चुअली नून अलिफ दाल, ये नादी उसको कहते हैं कि जो नादी कर रहा है उसका नाम है नादी, यानी कि पुकार करने वाला। मगर नादी हकीकत में, अगर आप ये छान बर्तनों को फूट वगैरह को नादी कहते हैं, ये टर्मिनोलॉजी बराबर नहीं है, लेकिन अभी चलती है। ये मेहमानी है, शाकिर की मेहमानी है, हर जमाने के अंदर दीनदारों, नबियों के जमाने के अंदर भी, हमारे दूसरे इमामों और पीरों के जमानों के अंदर भी, जो मोमिनीन इमाम के इर्द गिर्द रहा करते थे, वो अपने घरों से पका के मोहब्बत के साथ अपने इमाम के हुजूर में, नबी के हुजूर में, पीर के हुजूर में खाने के तोहफे ले जाता करते थे। खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इस चीज से भरी हुई है। आप पढ़ो दीनदारों, अच्छी किताबें पढ़ो, रसूल अकरम के उस्वा हुस्ना पढ़ो, नबी करीम की लाइफ पढ़ो, और खास तौर पे जो नबी की जो हदीसें आप पढ़ोगे तो उसके अंदर बहुत सी हदीसों को हम नहीं मानते, क्योंकि उसकी ऑथेंटिसिटी में शक है, या खुद सुन्नी लोग भी कहते हैं, शिया भी कहते हैं, लेकिन हमको उसके अंदर से मिक्स मोती मिलते हैं। जब रसूल अकरम मदीना आए तो जिस ऊंट के ऊपर हुजूर सवार थे उसकी मुहार यानी वो डोरी जी थी वो छोड़ दी, क्योंकि लोग बाहर आए, या नबी मेरे घर पे उतरो, या नबी आप मेरे घर पे उतरो, लोग अर्जी करते थे। हुजूर फरमाया कि मेरा ऊंट जिस घर के सामने बैठ जाएगा मैं वहां उस घर का मेहमान बनूंगा, और लोग उस ऊंट के आगे आगे चल के उसको इशारे करते थे, इधर बैठ जा इधर बैठ जा। ऊंट चला जाता था, मुहार छूटी थी, 2-3 चक्कर खाए उसने, और आखिर जाके अबू अयूब अंसारी के घर के सामने वो खड़ा हो गया, घुटने टेक दिए, नीचे बैठ गया। रसूल अकरम नीचे उतरे, अबू अयूब खुशी के मारे रो पड़ा, हुजूर उसके घर पे ठहरे। ईद हो गई मदीने की उस दिन के जब नबी करीम मदीना में दाखिल हुए, उसी दिन से मदीना की औरतों ने अच्छी अच्छी कीमती चीजें जो उस जमाने के अंदर मुहैया हो सकती थी, ऐसे खाने पीने पकाए, कोई गोश्त ला रहा है तो कोई हलवा बना रहा है, कोई खजूरें ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, तरह तरह की चीजें अपने घरों से। अबू अयूब अंसारी के घर के ऊपर चले आते हैं, ये नबी के पास रखना, ये नबी खाएंगे, ये नबी खाएंगे। कुछ मुद्दत के बाद जल्द ही विदिन ए मंथ, बाद किताबों के हिसाब से तकरीबन 4-4.5 महीने, लेकिन एक महीना है कि 4-4.5 महीने, मैं उसके ऊपर कंट्रोवर्सी में नहीं जाता, लेकिन उस जमाने के बाद यानी 1-2 महीने 4 महीने के बाद नबी अपने घर पे शिफ्ट हो गए, उनके लिए स्पेशल हुजरे बनाए गए मिट्टी के अंदर पानी मिक्स करके और खजूर के पत्ते मिक्स करके नबी के लिए मकान बनाए गए, नबी करीम अपने घर शिफ्ट हो गए। लेकिन मदीने और मदीना की औरतों की यह आदत आखिर तक कायम रही, जब तक के नबी करीम गुजर गए, कि खाना पीना पका के
اپنے لڑکوں کے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں، کبھی خود لے کے نبی کے گھر پہ جاتی تھی اور کھانا پیش کرتی تھی، یہ نبی کے حضور میں مہمانی تھی، لوگ خود نہیں کھاتے تھے لیکن نبی کے پاس لے کے جاتے تھے۔ میں نے ایک واعظ کے اندر ایک ذکر کیا ہے کہ لوگ نبی کو اتنا پیار کرتے تھے کہ اپنی جان سے زیادہ مانتے تھے۔ ایک بہت بڑا پیارا مومن تھا، ابو ذر غفاری، مشہور آدمی ہے، اس کی زندگی پڑھ کے رونا آتا ہے، خوشی کے آنسو نکلتے ہیں، اور اس آدمی نے جو دکھ اٹھائے ہیں، خاص طور پہ حضرت عثمان اور معاویہ نے ان کو جو دکھ دیا ہے، واللہ خدا کی قسم اس قسم کی ایگزامپلس بہت کم ہیں۔ ابو ذر غفاری بوڑھا ہو چکا تھا، بچے بڑے ہو گئے، اپنے کھیت بیچ سے بچوں کو دے دیے اور ان کو کہہ دیا کہ میں ابھی ریٹائر ہوں، زیادہ سے زیادہ وقت رسول اللہ کی خدمت میں گزارتا تھا۔ ایک دن کسی آدمی نے بیل ذبح کیا اور اس کا پایا، یعنی یہاں میرا پایا کا مقصد ساری ٹانگ نہیں، لیکن نہیں ہم پائے کھاتے ہیں بکرے کے، ایسا نیچے کا جو پاؤں تھا وہ اس کو ملا۔ اس کو فوراً یاد آیا کہ نبی صاحب ایک دن ذکر کرتے تھے کہ بیل کے پاؤں کا سوپ مجھے بہت پسند ہے، کئی مدت ہو گئی تھی، اس کو یاد آیا، خوشی سے بیتاب ہو گیا، کپڑے میں لپیٹ لپاٹ کے آیا، گھر کے ٹکڑے کیے دو عورتیں تھیں اس کی، اور سب کو کہتا ہے کہ یہ نبی کریم کے لیے شوربہ بناؤ، سوپ بناؤ، کسی کو مت دینا، بچوں کو باہر نکالو، میں رسول اللہ کو لے کے آتا۔ نبی کے حضور میں گیا، بہت دیر تک بیٹھا کیونکہ لوگ اٹھتے ہی نہیں تھے، آخر خدا خدا کر کے لوگ جب چلے گئے، اکیلا ہوا، حضور میں جا کے کہتا یا نبی ایک عرض ہے۔ کہو ابو ذر کیا ہے؟ کہتے مولا میرے گھر چلو، بائیں بیل کے پائے کا سوپ بنایا ہے اور حضور کو بہت پسند ہے۔ حضور مسکرا اٹھے، کہنے لگے اچھا خیر میں عائشہ کو بولتا ہوں، میرے ساتھ آئے۔ کہتے نہیں نہیں یا نبی، عائشہ نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اب اس کو کوئی عائشہ سے نفرت نہیں تھی، اس کے دل میں یہ تھا کہ نبی پیٹ بھر کے کھائے، عائشہ آئیں گی تو بھاگ پڑے گی۔ کہتا نہیں یا نبی آپ اکیلے آؤ۔ حضور کہنے لگے نہیں میں اکیلا تو نہیں آؤں گا، عائشہ ساتھ آئے گی۔ اٹھ کے چلا واپس، کہتا یا نبی اکیلے آؤں گا؟ حضور فرمایا نہیں عائشہ۔ کہتا نہیں یا نبی عائشہ کو مت لا۔ وہ دو تین دفعہ آیا گیا، ہاتھ باندھ کے کہتے اچھا عائشہ کو لے آؤں۔ حضرت بی بی عائشہ کو ساتھ لیا، نبی کریم اس کے گھر گئے، سب بچوں کو اس نے باہر نکل دیا، دونوں عورتیں رہیں، پنکھا بنکھا لے کے کھڑے ہو گئے، اور حضور کے سامنے پیالہ رکھا، تھوڑا سا عائشہ کے سامنے رکھا۔ حضور کو عرض کرتا یا نبی کھائیے، تیرے بچے کدھر ہیں؟ یا نبی وہ کھیل رہے ہیں، ان کو چھوڑ رہا۔ نہیں نہیں ان کو بلاؤ۔ اب یہ بیتاب ہو رہا تھا اس لیے کہ ایک پیالہ ہے، حضور پیٹ بھر کے کھائے تو اس کو خوشی ہو گئے، مگر اس کے اندر حضرت بی بی عائشہ بھی آ گئیں، اب یہ بچوں کو بلا رہے ہیں تو ذرا ناراض ہوا، مگر بچوں کو بلایا، عورتوں کو بلایا، حضور فرمایا میرے ساتھ مل کے سب کھاؤ، اور سب نے کھایا 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 تو بھی وہ آدھا پیالہ بچ گیا۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ رسول اکرم سے ظاہر میں بھی لوگ جو محبتیں کرتے تھے، جو پیار کرتے تھے، جانے دیتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے اور چاہتے تھے کہ حضور کھائیں تو ہمیں برکت ملے، برکت کے وجہ سے نہیں، پیار کی وجہ سے۔ آج ظاہر بھانے رسول اکرم نہیں ہیں ہمارے سامنے، تو کیا وہ لوگ جو نبی کے زمانے میں جیتے تھے وہ اتنے خوش نصیب تھے کہ ان کا کھانا رسول اکرم کھاتے تھے یا علی علیہ السلام کھاتے تھے، تو کیا آج ہم محتاج ہو گئے؟ نہیں دیندارو، خدا تعالیٰ کی برکتیں رحمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، دوسروں کو پتا ہوئے یا نہ ہوئے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ علی کا نور بھی یہ مولانا شاہ کریم حضر امام ہے، اور محمد رسول اللہ کا نور بھی یہی ہے اور کوئی نہیں۔ ہم اپنے گھر میں سے امام کو یاد کر کے اس
उसके लिए प्लेट अलग निकालते हैं। हमारी मोमन माएं खाना पका रही हैं, बच्चे भूख से बेताब हैं, माँ को कहते हैं मुझे खाना दो, भूख लगी, हाँ मेरे बच्चे अभी देती हूँ। खाना तैयार होता है तो सबसे पहले हजरत इमाम की मेहमानी निकलती है, बच्चों को बाद में देती है। ये मोहब्बतें हैं हमारे मजहब की, मगर वो लोग के जो इन चीजों को, इस फिलोसफी को जानते हैं, वो लोग के जो अपने मजहब की हकीकत से वाकिफ हैं, उनको इनके मजे आते हैं। अरे ऐसे भी कई लोग हैं कि जिन्होंने जिंदगी भर कभी मेहमानी नहीं की, या जिंदगी भर उन्होंने कभी नांदी भी नहीं दी, ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हैं कि जो इस नांदी को बुरी नजर से देखते हैं, कोई कहता है ये जंगल है, कोई कहता है ये क्या बात है, तुम खाने पीने की चीजें लाते हो और अंदर आकर नीलाम करते हो, ऑक्शन करते हो, मगर उसकी हकीकत को समझते नहीं। जाहिर बाने हजर इमाम किसी एक जगह पे नहीं रहते कि जहां जमात बहुत बड़ी है, जैसे कि नैरोबी है, दारुसलाम है, कराची, बॉम्बे है। हजर इमाम जब इधर आते हैं तो भी आपके अंदर से ऐसे लोग हैं कि जो कुछ खाने पीने की चीजें इमाम के घर पे पहुंचा देते हैं कि मौला कुछ खा लेंगे, मौला को खिलाने के लिए दिल तड़पते। हजर इमाम इरिंगा गए, इरिंगा गए, छोटी सी जमात है। इरिंगा की जमात में एक बूढ़ी अम्मा, बेवा औरत, 17-18 साल की लड़की, उसकी दो मां बेटियां, गरीब से गरीब, छोटी सी दुकान थी, भाजी बकाला बेचती थी, लेकिन सुबह शाम जमात की खिदमत करती थी। मिशनरियों की आवाजों में कहीं सुना था कि हजरत इमाम को मुर्ग के समोसे पसंद है। अब जो हजरत इमाम की रिंगा आ रहे हैं, जमात में अनाउंस हुई कि कल सुबह 11 बजे हजरत इमाम लाइन होंगे। ये लड़की बड़ी बेचैन हुई, घर पहुंच गए, मां को कहती है अम्मा कल मौला आते हैं, मैं चिकन के समोसे बनाती हूं मौला के लिए। बैठता है, तेरे को कौन जानता है, तू समोसे बनाएगी रखेगी कहां, किसको देगी, तेरे को कोई जाने देगा अंदर। चुप हो गए। आधे घंटे के बाद उठी और कहीं से नौकर को उठा के, अफ्रीकन नौकर को, मुर्गी मंगवाई, अपने सामने जिबा करवाई, साफ कराई, अपने हाथ से छोटे छोटे टुकड़े बनाए, कीमे की तरह के पड़ बनाए। लगभग रात के 1-2 बजे तक करती रही, और इस ख्याल से कि अभी जो तलूंगी तो सुबह खराब हो जाएंगे, उसको अच्छी तरह से रख दिया। परोड़िए जमा खाने गए। देखो दीनदारो, जब आप मौला को प्यार करते हैं तो वो भी आपको प्यार करता है, आप जब उसको याद करते हो तो वो भी आपको याद करता है, आपकी नीयत से वो वाकिफ है। सुबह दुआ पूरी हुई तो मुखियानी ने माँ बेटी को बुलवाया, कहती अम्मा आज तेरा काम है, मुखियानी माँ हुक्म करो, हजरत इमाम को लेने के लिए हमें एयरपोर्ट पे जाना है। हजरत इमाम एयरपोर्ट से आएंगे, हमारे घर खाना खाएंगे, तो तुम मेरे घर पे आओ और ध्यान रखो, खाना पीना तो तैयार लगभग हो चुका है, होगा। बस खुश हुई लड़की, खुशी से समाई न जाए, उसको ये तक मिली। मुखियानी कमरियानी सारे अमलदार एयरपोर्ट पे, या माँ बेटियां मुखियानी के घर पे, मुखियानी निकलने से पहले टेबल सजाया, सब कुछ तैयार किया। हजर इमाम के लिए जुदा छोटा टेबल नीचे था सोफा के सामने, और बोला के साथ जो रेटिन्यू था उसके लिए जुदा टेबल बनाया गया, टेबल सजाया गया। मौला के लिए चीजें भी उसी टेबल के ऊपर जरा अलग रखी। इसको चांस मिला, लड़की ने मुखियानी के घर में ही समोसे तले, अच्छी सी प्लेट लेके, ट्रे लेके सजाए, ऊपर कपड़ा रखा और सेंटर में रख दिया। धनी आया, मौला इसके घर में जो खाने का वक्त था, सरकार आए, पहले जमात खाने गए, हजरत इमाम फिर इधर आए खाने के लिए।
जब मौला अंदर आए तो सबसे ये पहले ये जो टेबल था जो एक्चुअली मौला के साथ जो स्टाफ था उनके लिए था, लेकिन साहब ने सबके ऊपर नजर डाली। सेंटर में कुछ ढका हुआ था, उठा के देखा तो समोसे पड़े हैं। सब चुपचाप जाके अपने सोफे पर बैठे। मुखी कामड़ी हम लोग सब आजू बाजू में खड़े हुए। मुखी हमें आके कहती हैं, मौला आपको क्या दूं पीने के लिए? मौला ने जूस मांगा, जूस पिया, कुछ बातें की। मौला कहा अच्छा, तो खाना शुरू करें। तो कहती है, खुदावन पहले क्या खाओगे? कहने लगी मौला कहने लगा समोसे। ऐसा हाथ रख के परेशान हो गए। कहते मौला मैं तो समोसे बनाना भूल गई। हजरत इमाम उठे और वो 12 से 13 समोसे उठा के प्लेट लेके खुद ही आके बैठ के मुखियानी को कहते देखा ये समोसे आ गए। अब मुखियानी को याद ही नहीं आया था, मगर जिसको खिलाना था, जिसके नसीब में था, उसने रात भर मेहनत करके इमाम को खिलाया, सारे समोसे खा गया, थोड़ा से भी नहीं बचा कि हमको जुड़ा मिल सके। उसकी मोहब्बत थी। ऐसे तो सैकड़ों किस्म के दाखले हैं कि लोगों ने जब मन चाहा नियत की कि मैं इमाम को खिलाऊं तो इमाम खुद ही खाते हैं। ये नादी, ये ऑप्शन नहीं है। इमाम के नाम से निकली हुई मेहमानी आप अपने घर से लेके आए हो, ये नूर का माल है, ये इमाम की मिलकत है। अब हम ये सारी दुनिया की नादियां पार्सल बना के हजरत इमाम को भेजे उधर अगले मो, वो तो नहीं हो सकता। तो हमारे इमामों ने, हमारे पीरों ने हमको रास्ता बताया। तुम मेरे घर पे जमा खाने में ले आए हो, मैं तुम्हारी नियत को कबूल करता हूं। अब तुम इसकी ऑप्शन करो, इसके पैसे इकट्ठे करो और ये पैसे मेरे मुखी कमड़िया को दे दो, जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मेरी इशापीर की गद्दी पर बैठे हुए हैं। दिनदारों, 4000 साल पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कहता है कि हारून को, उनके भाई थे हारून, उनको कहो कि जो कुछ भी बकरियां, भेड़े, गाय या और कोई मुर्गियां वैसे जानवर, कच्चा अनाज और पकी हुई चीजें जो लोग लेके आते हैं मेहमानी के तौर पे, उनकी ऑक्शन करो और उसका पैसा जो जमा हो गए तो हजरत हारून उसको ट्रेजर के तौर पे रखे। बाइबल पढ़ो, जेनेसिस के अंदर इस बात का जिक्र है। ये जो हम नबियों इमामों को खिलाते हैं, मैंने तो आपको 4000 बरस पहले की मूसा अलैहिस्सलाम की बात की, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जो एंसेस्टर थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, उस जमाने से बल्कि उसके भी पहले से नबियों इमामों को खाना खिलाना, ये लोगों ने अपनी मोहब्बत के तौर पर उसको बड़ा खुशनसीबी का दर्जा दिया है। हम खुशनसीब हैं कि हमारा इमाम हमारे दरमियान जीता है, मौजूद है, हाजिर है, हम उसको खिलाते हैं। ये हजर इमाम का घर है, हम इस घर में लेके आते हैं हजर इमाम के खाने के लिए और वो रूहानी तौर पर इसको खाता है। आपने जमा खाने के अंदर ये कभी कभी अनाउंसमेंट सुनी है कि मेहमानी और खदखोरा की दो चीजें क्या है? मेहमानी ये है कि आप खाना पका के मौला के घर ले जाओ, मौला खा ले। खदखोरा की ये है कि आप मौला जो जाके कहो या मौला मेरे घर पे आके खा, इसको खदाखोरा की कहते हैं। मेहमानी ये है कि आप मौला के घर ले जाओ, और खदाखोरा की ये है कि मौला को अरज करो कि या मौला मेरे घर आके खा, ये खदाखोरा की है। और जो आदमी खदाखोरा की देते हैं वो यही समझे और हकीकत है, सच है कि मौला उसके घर पे आके मेहमानी खाता है। नादी कोई ऐसी जैसी चीज नहीं। 1937 के अंदर इस नैरोबी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे याद नहीं है, इस वक्त नजर नहीं आता कि ऐसा आप में से कोई आदमी इधर बैठा है कि जिसकी उम्र 80 वर्ष के करीब हो गए और उसको ये बात याद हो गए। 1937 में मार्च महीने की पहली तारीख को इधर गोल्डन जुबली थी इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की। उस जमाने के एक जिक्र करता हूं, कुछ कॉन्फ्रेंस हुई
ये चीज 1945 में वापस रिपीट हुई। कौम के कुछ बड़े बड़े सरदार बैठे, मजहब की कुछ बातें निकली थी, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की भी बातें निकली थी। 37 में रिवाइज हुआ और फिर 46 के अंदर रिवाइज हुआ। ये 6 और 3 9 महीने 9 बरस तक एक ही कॉन्स्टिट्यूशन 37 का चला। उस वक्त एक आदमी ने, मैं उसका नाम जाहिर नहीं करना चाहता क्योंकि मशहूर आदमी है, सब लोग उसको जानते होंगे, सब नहीं जानते तो आधी जमात तो जरूर जानती होगी। एक आदमी ने खड़े होकर अर्ज किया कि खुदामंद लोग घरों से ये जो पकी हुई चीजें इधर लेके आते हैं वो मुनासिब नहीं है। 37 की बात है दीनदारों, इस बात को 50 बरस से ज्यादा हो गए और उस वक्त इतनी हाइजीनिक कंडीशन नहीं थी, हमारी रहने करनी इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो कहता है कि या मौला, गंदी मंदी प्लेटें होती हैं, मक्खियां गिरती हैं, इसके ऊपर धूल पड़ती है, इसके लिए नाली बंद होनी चाहिए और हम उसकी बजाय पैसे डाल देंगे। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह किसी दूसरे आदमी को कहते हैं, ये दूसरा आदमी कौन था जो बाद में काउंट नीम जी जवेर थे, उस वक्त ये काउंट नीम जी जवेर आलिजा भी नहीं थे, लेकिन काउंट नीम जी जवेर को हजर इमाम पूछते हैं, पीछे बैठा हुआ था, तुम यंग मैन क्या बोलते हो? तो उसने तो कहा कि खुदावंद ये तो आपकी मेहमानी है तो हम ये किस तरह से बंद कर देंगे। मौला ये कहता है कि उसकी जगह तुम पैसे दे दो। कहता खुदावंद वो सिलसिला नहीं है। दूसरे को पूछा, तीसरे को पूछा, फिर इमाम ने फैसला कराया। साहब इसको कहते हैं देखो, हरिश्चंद्र के जमाने से कि जिसको हजारों साल हो चुके हैं, मौला कहते हैं कि हरिश्चंद्र के जमाने से मेरे बच्चे मुझे मेहमानी खिलाते चले आते हैं, तुम उसको बंद नहीं कर सकते। तुम्हारी नहीं मर्जी न सही, लेकिन जो लाता है तुम उसको बंद नहीं कर सकते। मेहमानी है ये, हम इसको हजर इमाम के हुजूर में ले जाके खिलाने वाली पाक पवित्र चीज रखते हैं। हम बेस्ट हालत के अंदर जो बेस्ट चीज होती है वो अपने इमाम के लिए लेके जाते हैं और ये फिर इसको खरीद के हम अपने घर पे ले जाते हैं बरकत के तौर पे, झूरे के तौर पे। इमाम जब खाना खाता है तो उसमें से झूरा भी देता है। मौलाना अली शाह महबाब सलवातुल्लाह पीर के जौमे के अंदर दरखाना जमात खाने में बॉम्बे में आए और इमाम ने आके फरमाया, उस वक्त पीर जौमा था, मौलाना इमाम अली शाह पीर महबाब फरमाते हैं कि है जमात, तुम जो हमको खिलाते हो हम वो खाते हैं और जब तुम उसको लेके जाते हो घर पे तो वो हमारी तरफ से तुम्हें बरकत मिलती है। तो किसी आदमी ने हाथ बांध के पूछा, यार पीर मां बाप, जो आदमी अपने घर से नांगी लेके आता है उसको जो मेहमानी का सवाब मिलता है, तो जो आदमी खरीद के ले जाता है उसको कुछ सवाब है? फरमाया इतना ही सवाब है कि जितना लाने वाला, दोनों को सवाब दिया है क्योंकि ये नूरानी माल है। इसलिए हमको हमारे पीरों ने, हमारे बुजुर्गों ने हमको ये चीज कही है कि जो माल हमने नांदी में से खरीदा है वो सिर्फ मोमिनों के लिए है। हम उनको कि जिन्होंने हमारे हजरत इमाम की बयत नहीं की, ये माल हम उनको नहीं खिलाते, ये माल उन्हीं के लिए है कि जिन्होंने इमाम की बयत की है। ये झूरा है इमाम की तरफ से जो अपने घर पे हम वापस लेके जाते हैं। हाँ, एक दफा आपने उसमें से खा लिया, जूठा हो गया, फिर आप नौकर को भी दे दो, बच जावे तो किसी को भी दे सकते हो, लेकिन जब तक आपने खाया नहीं है ये खाना नॉन इस्माइली के लिए, जिसने इमाम की बयत नहीं की उसके लिए नहीं है। इसका खुलासा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में भी हो चुका है। बाबत यह है कि जितनी पहले वाजे हुआ करती थी, किताबें छपा करती थी, जितनी इंफॉर्मेशन जमातों को आज से 50-40 बरस पहले, 60 बरस पहले मिलती थी, आज वो चीजें घट गई हैं। न हमारे पास कोई चौपानिए हैं, न अखबार है, न किताबें हैं, न वाजे हैं। हमारी जमात को आम तौर के ऊपर मजहब की वो इंफॉर्मेशन जो उनको मिलनी चाहिए घट गई है। इसलिए बच्चे जवान होते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं। अरे वालदैन को पता नहीं तो बच्चों को क्या बताएंगे? ये नाली का माल है,
اپنے گھروں میں لے جاؤ، یہ برکت کی چیز ہے، خود کھاؤ۔ مجھے ایک چیز یاد آئی ابھی 1946 میں امام سلطان محمد شاہ داتار کے حضور میں لالکیشور کی پنجے بہنوں نے لگ بھگ 350 اس کی ممبرز ہیں، اور امام نے ان کی لمٹ کو بند رکھا ہوا ہے، نوا ممبر نہیں دیتے جب تک کہ کوئی ملک چھوڑ کے جاوے یا گزر جاوے تو نیا ممبر لیتی ہیں۔ ڈائمنڈ جوبلی کا ٹائم تھا، انہوں نے امام کے لیے ایک شیروانی بھی بنوائی تھی، وہ اس کا ذکر پھر کبھی کروں گا۔ ان عورتوں نے 1200 پلیٹیں مہمانی میں رکھی، 1200 پلیٹیں وہاں سے لے کے وہاں تک، اور اتنا سارا بھرا ہوا۔ سلطان محمد شاہ جب آئے تو ادھر سے ادھر تک گھومے، دیکھا تو فرمایا یہ سب تم نے بنایا کہ آرڈر دیا؟ نہیں خدا، ہم نے بنایا۔ اب دیکھو ایک میں ایک حکمت ہے، کھانا کھلانا ہے حضرت امام کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کسی نوکر کو ذرا تو کھانا بنا دے گا جماعت خانے لے کے جانا؟ ارے بھائی جیسی نیت تیسی مراد۔ دوسروں کے ہاتھ کا پکا ہوا امام کو کھلاتے ہو تو اس میں برکت تو اس کو ملے گی جو پکا رہا ہے، آپ نے کیا کیا، پیسے دیے اس میں کیا ہوا؟ یا وہ لوگ کے جو دوسروں کے پاس سے پکوا کے امام کے پاس لے کے جاتے ہیں، کوئی ایسی حالت ہے بیمار شمار ہو گئے تو کوئی اسماعیلی اس چیز کو پکاتا ہے اس کے لیے، وہ اور بات ہے۔ جیسے کہ مکھی کمڑیا امام کی کچھ مہمانی لاتے ہیں تو کسی بھائی کو کہہ دیں گے وہ دیکھ سو بھائی، کیونکہ وہ اسماعیلی ہے، لیکن غیروں کے ہاتھ کا پکا ہوا آپ جماعت خانے میں لے کے آؤ تو جیسی نیت تیسی مراد ہے۔ مولا فرمایا یہ سب تم نے بنایا؟ ہاں خداوند ہم نے بنایا۔ شاباش، خانہ آباد، بہت واپس تھی۔ مولا بیٹھے پونا گھنٹہ بیٹھے، خوب باتیں کی، ایک ایک کو پوچھا کسیوں کے لیے، پھر سرکار اٹھے، اٹھ کے فرمایا تم ادھر سے جانا نہیں، میری آنکھ سے دیکھی ہوئی بات ہے یہ۔ مولا کہتے تم ادھر سے جانا نہیں، جب یہ پروگرام پورا ہو جائے میں چلا جاؤں تو تم لوگ ادھر بیٹھو اور یہ سب کھا جاؤ۔ تو اس نے کہا خداون اتنا بہت ہم نہیں کھائیں گے، سب فرمایا سب کھا جاؤ، دیکھو کسی کو دینا نہیں، ڈیڑھ گھنٹے کے اندر کھا لینا نہیں تو یہ خراب ہو جائے گا۔ سب نے واپس چھوڑا، کسی کو دینا نہیں، تم لوگ کھانا۔ بس بھائیوں نے خوشی کی، مولا چلے گئے، راسڑا کھیلا تو مکھیا نے کہتی ہے اس نے کہا ڈیڑھ گھنٹے کے اندر کھا جاؤ۔ آخر یہ بھائیوں نے کھانا شروع کیا، ساری پلیٹیں کھا نہ سکی، دوسروں کو دینے کی منائی تھی، ہم تو آنکھ لگا کے ترس رہے تھے، لیکن کیا کریں اس کے ممبر نہیں تھے۔ دنداروں بہت سی پلیٹیں، ہر پلیٹ میں سے کچھ نہ کچھ کھایا گیا، مگر جو بچ گیا اس میں جھیل پڑ گیا، خراب ہو گیا، اس کو انہوں نے کھڈا کھود کے دفن کر دیا۔ عرض میری یہ تھی جماعت کو یہ بات کہنے کی کہ جو امام کا جو مال ہے، جو امام ہم کو دیتا ہے جرے کے طور پہ ملتا ہے۔ آپ میں سے کوئی آدمی اٹھ کے کسی مکھی کمڑیا کو جا کے کہے کہ کل یہ مجلس ہے جرا میری طرف سے، اس کی طرف سے جرا نہیں ہوتا، اس نے تو جرے کی رقم دی ہے، وہ امام کی مہمانی ہو گئی۔ جرا ہمیشہ امام کی طرف سے ہوتا ہے، شاہ پیر جرا دیتا ہے، کوئی آدمی جرا نہیں دے سکتا جماعت کو۔ اس نے امام کے حضور میں جرے کی رقم دے کے مہمانی لکھائی ہے، جرا تو امام دیتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ امام کھاتا ہے یا نہیں بھی کھاتا تو اپنے ہاتھ سے اٹھا کے، آپ مان لو کہ آپ میں سے کسی کو حضرت امام بلاوے اور ماں باپ انگور کھا رہے ہیں، گریپس کھا رہے ہیں، اس میں سے ایک چھنکا اٹھا کے آپ کو کبھی دے دے تو آپ کی خوشی کی تو کوئی حد نہ رہنے، یہ جرا ہے جو ہم کو ہمارے جماعت خانے سے ملتا ہے۔ کئی لوگ جرے اکٹھے کر لیتے ہیں، چار پانچ ہو گئے تو پلیٹ بھر کے واپس لے آتے ہیں، الحمدللہ ایسا کبھی مت کرنا، اس لیے کہ جو چیز آپ کو امام نے دی ہے آپ اس کو اکٹھا کر کے واپس امام کو کر دیتے ہو، یہ تو بہت بڑی بے ادبی اور انسلٹ ہے امام کی، یعنی امام نے آپ کو دیا آپ اس کو واپس کرتے ہو، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ جرے کھا جاؤ، تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کھاؤ لیکن کھا جاؤ،
मैं आज 25-30 बरस से जमातों के अंदर अर्ज करता चला आया हूँ, अल्लाह मेरा मुखियों का मड़िया साहेबो हाथ जोड़ता हूँ कि झूरे छोटे बनाओ छोटे। उस वक्त पैसे की बात नहीं है, बात यह है कि झूरे की बेअदबी होती है। इतना बड़ा एप्पल मिला है, आप कह रखते हो जमीन के ऊपर सामने रख देते हो, मौला ने आपको जो चीज दी आपके पांव के पास पड़ी हुई है, क्या ये अदब है झूरे का? छोटा सा झूरो हो गए खीसे में डालो, बाहर जाके घर जाके खाओ। झूरा वो हो गए कि जो आपको इजीली कंज्यूम हो जाए। अगर एक इतनी बड़ी चॉकलेट आपने 8 औंस की चॉकलेट दी को, बूढ़ा आदमी है, डायबिटीज की बीमारी है, वो कभी इसको कंज्यूम करेगा? फिर भी मेरी अर्ज ये है कि इस बूढ़े आदमी को मैं अर्ज करता हूं कि भले थोड़ी थोड़ी करके भी मगर ये 8 औंस की चॉकलेट खा जाओ, उसको खराब मत करना, झूरे छोटे बनाओ ताकि लोग जल्दी से कंज्यूम करें। और झूरों को इकट्ठा करके कभी भी मेहमानी के तौर पे नहीं लाना। गांधी की हिकमतें, गांधी की फिलोसफी समझने के बाद आदमी को ये पता लगता है कि ये ईमान की मेहमानी है। अरे खुशनसीब है वो फैमिली कि जिसके घर से हर रोज ईमान की मेहमानी आती है, बरकतों से वो फैमिली भरी होती है। हर रोज तो कभी आप ईमान को खिलाओ तो ईमान की दुआ आशीष आपको कहां तक पहुंचाती है। पेशावर के अंदर अब तो बहुत बड़ा बन गया है, मैं आपको 60 बरस की बात करता हूँ, मोस्टली घर लकड़ी के होते थे, नीचे पत्थर और सीमेंट का, लेकिन ऊपर 1 या 2 स्टोरी लकड़ी की बनाते थे क्योंकि सर्दी बहुत होती थी उधर, अभी भी है, और बहुत कंजस्टेड सिटी है। वहां एक आदमी था भगत, उसकी यह आदत थी 365 दिन दूध गर्म करे अपने घर पे, थोड़ी सी खंड डाल के लेके आ गए। कई वर्षों के बाद जमात के अंदर लोग बैठे थे, एक आदमी दौड़ा दौड़ा आया, ऐ शमसुद्दीन, उसके कान में कहते तेरे घर को आग लग गई। देखो उसका ईमान देखो, हमारे को दूसरा आदमी होगा तो उठ के दौड़ जावे। वो कहता मैं मौला की हाजिरी में बैठा हूं, इसको छोड़ के मैं कहां जाऊं, ये जाने इसका काम नहीं गया। पक्का वो बिल्कुल सारी दुआ वगैरह पढ़ के फिर वो उठा। जब वो वहां गया दिन दारे, क्या देखता है, उसकी आंखों को यकीन ना आया, उसके बाजू का मकान जल गया, सामने वाला जल गया, इस उधर का बच गया, पीछे का जल गया, इसका मकान अकेला खड़ा है। थोड़ा सा उसको नुकसान हुआ, टेक लगा, लेकिन मकान खड़ा है, आंखों में से आंसू आए, शुक्र गुजारी, लोग इकट्ठे हो गए, तो शमसु हमने आंख से देखा है कि तेरे घर के ऊपर दूध की बारिश हो रही थी। गैरों ने जो इस्माइली नहीं थे वो लोग इसको कह रहे हैं कि हमने आंख से देखा है तेरे घर पे दूध की बारिश हो रही थी। दुनिया में ऐसे बहुत से बनाव होते हैं, हर रोज वो इमाम को मेहमानी खिलाता था, आज इसकी औलाद मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैंने आपको ये इसलिए कहा कि हमारे मजहब के अंदर, दूसरे मजहबों के अंदर भी जो एतकाद और यकीन कामिल होता है तो ऐसी बहुत से मिरेकल्स की चीजें बनती हैं, हम इनसे इनकार नहीं कर सकते। मगर हमारा जो मजहब है मोहब्बत का मजहब है, हम अपने मौला को नूर के तौर पर समझते हैं, उसके बदन के साथ, उसकी ज़ाहरी जिंदगी के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, सिवाय इसके कि वो हमारा जाहरी तौर पे गाइड करने वाला इमाम है। लेकिन असल हकीकत हज़रत इमाम का नूर है। मौलाना हज़रत इमाम क्या खाता है, हमको क्या, कैसे कपड़े पहनता है, हमारा वो काम नहीं, फैमिली के साथ कैसा है, हमारा वो काम नहीं, मौला जाने उसकी जिंदगी जाने दुनिया भाने की। हमारा हाल तो यह है कि हमको हुक्म करता है उस पर हम अमल करते हैं, उसके नूर की मोहब्बत और शनाखत में रहते हैं, अपने मजहब के ऊपर हम मुस्तकीम हैं, लोगों के कहने से लोगों की बातों से हमारा ईमान डगता नहीं। जिस मौला को हमने यकीन से कौल इकरार दिया है तो फिर कहते हैं कि ऐसे मौला को लोगों के कहने से क्यों छोड़ देते हो। लोग बातें करते हैं, नबियों की बातें हुई, इमामों की बातें हुई, अवतारों की बातें हुई, या क्रिश्चियन लोगों के जीसस अलैहिस्सलाम को जेल में डाला और ये लोग कहते हैं बाद में उसको फांसी भी दे दी,
तो भी आज देख लो उनका ईमान मजबूत है। वो खुद कहते हैं कि जीसस को जेल में डाला, सूली पे चढ़ाया, लेकिन फिर भी उसको वो सेवियर मानते हैं। हमारा इमाम तो सच्चा इमाम है, नूर है, मालिक है। इसकी जब नूर की हकीकत को हम जानते हैं, हमारा ईमान और भी मजबूत होता है। इसके लिए सुबह की बैतुल ख्याल की इबादत है। आप किसी बहुत ऊंची जगह के ऊपर चढ़ के चले जाओ तो दो चार माइल तक देख सकोगे, लेकिन और दूर देखना है तो आपको एक टेलीस्कोप की, दूरबीन की जरूरत पड़ती है। मौलाना हजरत इमाम की जाहिरी शक्ल शबाहत जो है वो भी नूर की असर से भरी हुई है। जाहिरी हजर इमाम का जाहिरी दीदार करना भी हमारे लिए इबादत है। लेकिन जब हम हजर इमाम के नूर को देखना चाहते हैं तो दीनदारों ये आंखें काम नहीं आती, उसके लिए अंदर की आंखें चाहिए। और उसको खोलने के लिए सुबह 4 बजे जमात खाने में आके इबादत करो, हजर इमाम के नूर की शनाखत पाओ। और जब आपको वो चीज मिलेगी, आसमान और जमीन के दरमियान ऐसी कोई चीज नहीं थी जो उसके मुकाबला कर सके। और जब इस्माइली को हाजर इमाम के नूर की शनाखत होती है तो उसकी चमड़ी के अंदर से जो 3.5 करोड़ रोम है, हमारी बदन के अंदर सुराख हैं, पोर्स हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, फिर कहते हैं कि 3.5 करोड़ रोम है और हर पोर के अंदर से एक छोटा सा बाल निकलता है। 3.5 करोड़ का मतलब है 35 मिलियन हमारे स्किन के अंदर पोर हैं। हर एक पोर जब हम अपने हजर इमाम के नूरी दीदार करते हैं, वो एक्सपीरियंस मिलता है, तो ये 3.5 करोड़ रोम इस मौला का जाप करते हैं। हमारा बदन भी पाक होता है, हमारे ख्यालात भी पाक होते हैं, हमारा ईमान भी पाक होता है। और हमको इस दुनिया में इससे ज्यादा और कोई चीज नजर नहीं आती। ये हमारा इस्माइली मजहब है कि हम हजर इमाम के नूर की शनाखत करें। ये इस्माइली मजहब सच्चा है कि जिस पे जो आदमी चलता है कभी उसको नुकसान नहीं होता, कभी उसको कोई चीज का धक्का नहीं लगता। और दीन और दुनिया के अंदर वो इस तरह से रहता है कि जैसे कमल का फूल होता है, लोटस का जो फूल है, पानी नीचे जावे तो भी वो ऊपर रहता है, पानी ऊपर चला जावे तो भी वो तरता रहता है। मोमन इस दुनिया के अंदर दुखों तकलीफों के होने के बावजूद भी हमेशा दिल के अंदर खुशी रहता है, आबाद रहता है। मौला कहते हैं तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन तुम दुखी नहीं बनोगे, कभी नहीं बनोगे। इस मजहब पे अच्छी तरह से चलो मोमिनो, इस मजहब को मानो, इस पे अमल करो और देखो आपको इसके अंदर से क्या क्या बरकतें मिलती हैं। तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, इज्जत आबरू रहेगी, कभी किसी के मोहताज नहीं होने देगा मौला आपको, आपकी आल औलाद भी अच्छी रहेगी, नेक माता पिता के बच्चे भी नेक होंगे। इन बच्चों को ईमान सिखाओ तो वो भी सीखेंगे। आपको दुनिया में तकलीफें आएंगी क्योंकि इंसान की जिंदगी तकलीफों से भरी हुई है। ये मृत्यु लोक है, ये मॉर्टल वर्ल्ड है, इसके अंदर दुख तो है ही, लेकिन हजरत इमाम कहते हैं तुम दुखी नहीं बनोगे। तकलीफों के अंदर घबराना नहीं, वो आपका हाथ पकड़ेगा, जमीन तक गिरने नहीं देगा, आपको कभी नहीं देगा, इज्जत आबरू भी सलामत रखेगा और हमेशा दिन और दुनिया के अंदर आपके ऊपर छतर छाया के तौर पे रहेगा। मौलाना हजरत इमाम आपको सुखी आबाद करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, दो जहान में बरकतें देवे, नेक उम्मीदें पूरी करे, आफत बलाएं दूर करे, दुश्मन दूर करे। मौलाना हजरत इमाम हर हालत में, हर हालत में दीन और दुनिया के अंदर आपको, आपकी आला औलाद को पेड़ी दर पेड़ी सुखी आबाद रखे। मौलाना हजरत इमाम ज़ाहिर बातें दीदार नसीब करे।